नमस्कार, डीजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूँ आशीष जोशी। शास्त्रीय संगीत में गायन और वादन दो विधाएं होती हैं, और वादन में भी खास तौर पर ताल वाद्य की यदि हम बात करते हैं तो ताल वाद्य आम तौर पर पुरुषों के अधिकार क्षेत्र का माना जाता है। लेकिन हमारे साथ आज डीजाना विशेष में चर्चा के लिए मौजूद हैं जो ताल वाद्य में प्रिंसेस ऑफ क्वीन के नाम से जानी जाती हैं, रिम्पा शिवा। रिम्पा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते रिम्पा। ताल वाद्य के प्रति जो आकर्षण है आपका, कब शुरू हो गया था, कब आपको ऐसा लगा कि आपको ताल वाद्य सीखना चाहिए? मेरा जब उम्र 3-4 साल था तो मेरा पिताजी, मेरा गुरुजी है पंडित स्वपन शिवाजी, तो हमारा घर में जब स्टूडेंट लोग आता है पिताजी के पास सीखने के लिए, तो मैं 3-4 साल उम्र से देखती हूँ जो कैसे पिताजी सिखाता है। तो इसको बाद में मेरा भी इंटरेस्ट हो गया था जो मैं भी थोड़ा बजाऊंगी, लेकिन पहले पिताजी ने सोचा था जो लड़की है, और हमारा उस जमाना जब हमारा 3-4 साल उम्र था तो तब तो ऐसे लड़की तबला बजाएंगे ऐसे तो कुछ नहीं था। तो पिताजी बोला ठीक है तुम बजाओ, तो सितार वोकल कुछ भी सिखाएंगे तो तबला ज़रूरत है। तो इसी हिसाब से पिताजी थोड़ा सिखाया था मेरे को, लेकिन बाद में उनको लगा जो इनको तबला ही सिखाएंगे। तो इसको बाद में पिताजी मेरे को तबला शिक्षा शुरू किया था, और बस अभी ये 3-4 साल ही शुरू किया था उन्होंने। आपको प्रिंसेस ऑफ क्वीन कहा जाता है तबला के बारे में, तो कैसा लगता है जब इस तरह की बात सामने आती है खुद को लेके कि यार इतना जल्दी आपको ये एक फेम मिला? इतना नहीं, कुछ फ्रेम तो कुछ नहीं है, और मैं ऐसे भी प्रिंसेस भी कुछ नहीं हूँ। बस अभी भी पिताजी का पास सीख रही हूँ, और देखिए सब स्ट्रीम में ही तो भगवान का आशीर्वाद चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए और लोगों का प्यार चाहिए, तो वही थोड़ा हमारा वही होना चाहिए। ऐसे तो मैं प्रिंसेस नहीं हूँ। ये आपकी साफ गोई है, बहुत सीधे तरीके से आपने कहा कि आप प्रिंसेस नहीं है। लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री मैंने आपकी देखी थी जिसमें आप स्कूल से आप घर जा रही हैं और आपके दिमाग में बस ऐसा लग रहा है कि मैं कब घर जाऊं या कब मैं वो तबला के पास में जाऊं। तो फिर पढ़ाई और ये सीखने में आपने कैसे कोऑर्डिनेट किया, कैसे सामंजस्य बिठाया? एक्चुअली मेरा 8-9 साल से करीब 10 साल जब उम्र था तब से मेरा स्टेज परफॉर्मेंस शुरू किया था। पहले मैं कोलकाता में सॉल्ट लेक म्यूज़िक फेस्टिवल, वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया, ये सब गवर्नमेंट का प्रोग्राम किया था। इसको बाद में जो इंडिया में जो बड़ा बड़ा फेस्टिवल है, सप्तक म्यूज़िक फेस्टिवल, माईहर फेस्टिवल, हरिवल्लभ फेस्टिवल, सब फेस्टिवल में बजाया मैं। और बाद में 97 से मेरा USA का जो एब्रॉड का जो टूर शुरू किया था, तो इसको बाद में 98 में मेरा एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म हुआ जो आपने बोला, वो फ्रेंच गवर्नमेंट से हुआ था, तो उसका नाम था रिम्पा शे प्रिंसेस ऑफ तबला। इसको बाद में मेरा 2008 में मैं राष्ट्रपति अवार्ड मिला था। ओके। राष्ट्रपति अवार्ड APJ अब्दुल कलाम है जो उनका पास से मिला था। इसको बाद में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, शंभुकानंद अवार्ड, और जो अभी ये साल में मेरा कर्नाटक गवर्नमेंट से पंडित बासवराज राजगुरु अवार्ड मिला था। क्या बात है। तो ये सब अवार्ड मिलता है और चल रहा है अभी ये सफ़र। बस ये तो बहुत मुश्किल का सफ़र है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत समंदर है लगता है। जैसा आपने बताया कि जब आपने अपनी इच्छा बताई कि मैं तबला बजाना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, और ये कहा था कि आप तबला बजाने के बजाय आप कुछ वोकल सीखो या कुछ दूसरा आप परफॉर्म सीखो, ये ताल वाद्य को मत सीखो क्योंकि ये एक मेल ओरिएंटेड ऐसा माना जाता है कि ये मेल ओरिएंटेड साज है, लेकिन आप चूंकि बजा रहे हो, क्या वाकई जो तबला है वो केवल पुरुष ही बजा सकते हैं या एक लड़की या एक महिला नहीं बजा सकती? आपको क्या लगा ये इतना सीखने के बाद में? पहले तो ऐसे ही था, पहले देखिए महिला तबला प्लेयर बहुत कम था,
तो इसको बाद में पहले जब महिला तबला प्लेयर हमारा देश में आया था तो वो है अबन मिश्रा जी, बॉम्बे का है। इसको बाद में अनुराधा पाल जी है। इसको बाद में भी बहुत तबला प्लेयर है, इंदौर में संगीता अग्निहोत्री जी है और भी थोड़ा है। तो अभी मैं, मेरे को बहुत खुशी हो रहा है इसीलिए जो अभी बहुत लेडी तबला प्लेयर अभी हमारा देश में आया और बहुत इंटरेस्टेड है। और कोई कोई लड़की, बहुत लड़की ऐसी भी बोलता है जो आपको देख के हमारा सबको इंटरेस्ट होता है। तो कुछ नया कुछ काम होने का मज़ा ही आता, अलग होता है। मतलब तो, आप ये मानती हैं कि कोई भी काम है वो एक, चाहे लड़का हो या लड़की, अगर काम अगर आप साधना करेंगे, रियाज करेंगे तो आप उसको, ऐसे कुछ नहीं है जो लड़की लोग तबला नहीं बजा सकता है, ये कुछ नहीं है। अभी देखिए हमारा देश में मेल डोमिनेटेड है, लेकिन तबला सब्जेक्ट महिला भी बजा सकते हैं, ये प्रूफ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या ड्रीम है आपका, जैसे आपने बताया अभी जो आपकी एक यात्रा बताई कि आपको ये पुरस्कार मिला है, प्रेसिडेंट ने आपको अवार्ड किया है, आप विदेश में भी बजा के आ चुकी हैं, अभी भी आपका ये संगीत का यात्रा चालू है, तो ये यात्रा कहाँ आके रुकेगी, या आपका अभी कोई सपना एक बाकी है कि हाँ अगर मैंने वहाँ परफॉर्म कर लिया या मैंने अगर वहाँ बजा लिया तो मुझे लगेगा कि मेरा ये साधना सफल हो गया? नहीं, ऐसे तो मैं कभी भी आशा नहीं करती हूँ जो मेरा इसको बाद में ऐसे ऐसे करूँगी। मैं देखती हूँ आगे जो होगा, ऐसे ही मेरे को सोचा है। ज़्यादा आशा होता है ना, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगा तो मेरा वो ये करना है, ये होगा तो अच्छा लगता है, तो नहीं होगा तो वो बहुत दुख हो जाता है। तो मैं कभी भी एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं करती हूँ, जो होगा आगे देखा जाएंगे। गुरु तो सिखाता है, शिक्षा देता है, शब्द बोल जो ताल वाद्य के होते हैं वो भी आपने पढ़े होंगे। आपके घराने की अगर मैं बात करता हूँ, शायद आप फर्रुखाबाद घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, पंजाब घराना भी है, दिल्ली घराना भी है, कई ऐसे बड़े उस्ताद लोग उसमें भी हुए हैं, इन घरानों में आपने फर्रुखाबाद घराना ही क्यों चुना? दूसरा, क्या आपकी भी इच्छा है कि मैं उस स्टाइल को भी, मैं पंजाब घराना भी सीखूंगी या दिल्ली घराना भी सीखूंगी, या ये टफ था या इजी था, ये हमको थोड़ा बताएंगे कि इनका क्या खेल होता है कि फर्रुखाबाद घराना अच्छा कि दिल्ली घराना अच्छा या पंजाब घराना अच्छा, या तीनों घराने अपने आप में यूनिक है? नहीं देखिए, सब घराना ही अच्छा है, लेकिन हमारा जो पिताजी का घराना फर्रुखाबाद घराना का है, इसीलिए मैं फर्रुखाबाद घराना का ही हूँ। मेरा दादा गुरु जी उस्ताद करामतुल्ला खाशब है, मेरा पिताजी का जो गुरु जी था, तो ये सब पिताजी फर्रुखाबाद घराना से ही तालीम शिक्षा लिया था उस्ताद करामतुल्ला खाशब का, और थोड़ी दिन में पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी का पास भी तालीम लिया। तो ये सब पिताजी जो उधर हमारा कोलकाता में बहुत एक बड़ा गुरु जी है पिताजी, जो बहुत, उनका बहुत स्टूडेंट अभी इंडिया और अब्रॉड में बहुत बजाता है। आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले पंडित शुभंकर बनर्जी भी गुजर गया, वो भी मेरा पिताजी का ही स्टूडेंट है। अच्छा। हाँ, ये सभी पिताजी त्यौहार बहुत अच्छा किया, तो बस इसीलिए मैं, और देखिए सब घराना ही अच्छा है, और पिताजी सब घराना का ही चीज़ मेरे को तालीम दिया है। लखनऊ, फर्रुखाबाद तो है ही मेरा, और बनारस, पंजाब, सब घराना का तालीम लिया मैं। आज जब भी हम तबले की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आग बंद करते हैं तो जाकिर हुसैन साहब का आता है कि उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। आपको भी लगता है कि जब आने वाले समय में लोग तबला के बारे में बात करें तो रिम्पा का नाम एकदम से है कि यस रिम्पा, ऐसा कोई आपके मन में? नहीं नहीं, ऐसे तो देखिए बस मैं कुछ नहीं हूँ, अभी फिर से बोलती हूँ, बस सब लोग का आशीर्वाद चाहिए। नहीं तो देखिए, ये जो तबला, ये एक भगवान का दान होता है सभी, तो ये ऐसे नहीं होता है कुछ, सबका ब्लेसिंग चाहिए। क्या मूल मंत्र आप देंगी, क्या गुरु मंत्र आपकी तरफ से उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए, उन कलाकारों के लिए कि एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए क्या आवश्यक चीज़ होती है, व्हाट इज़ द एलिमेंट्स टू गुड एलिमेंट कि एक अच्छा आर्टिस्ट बनने में ये आपको ज़रूरी है तो आप एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है? देखिए, आर्टिस्ट तो अच्छा होगा कि नहीं होगा ये तो कोई बोल नहीं सकता है, जो मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट होगा तो, लेकिन ये बोल सकती हूँ जो अच्छा
कुछ काम करने के लिए, जो अच्छा एक तबला बजाने के लिए जो अच्छा कुछ चीज़ होता है, वो देखिए अच्छा गुरु मिलना चाहिए पहले, और गुरु के लिए भक्ति होना चाहिए, गुरु जो बोलता है वो सुनना चाहिए और गुरु का ऊपर डिपेंड करना चाहिए, ये सबसे बड़ा बात है। तो ये होना चाहिए और अच्छा रियाज तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, आप कितना रियाज करती हैं अभी भी? ऐसे तो कुछ टाइमिंग तो नहीं है, लेकिन जब अच्छा लगता है मैं बैठ जाती हूँ तबला लेके ऐसे। क्या लगता है अगर आप तबला नहीं सीखती तो फिर रिम्पा क्या होती? फिर आप हमको, आज हम रिम्पा से बात कर रहे हैं तो इसलिए बात कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छी तबला प्लेयर है वो, अगर आपको तबला नहीं होती तो फिर रिम्पा क्या करती आगे अपने भविष्य के? मैं सोचा ही नहीं तबला को बिना कुछ ऐसे। स्ट्रगल कई बार ये रहता है कि अभाव के चलते कोई कला जो होती है उसको अगर कहीं सपोर्ट नहीं मिलता तो वो आगे नहीं बढ़ पाती है, तो रिम्पा कहीं युवाओं के लिए कुछ एक एकेडमी खोलेगी या युवाओं को तबला सिखाएगी, ऐसा कुछ एक मन में है कि यार मैं भी अपना पापा का जैसा कुछ एक गुरुकुल सा बनाऊं या बच्चों को मैं सिखाऊं ताकि इस परंपरा को मैं आगे ले जा सकूं? एक्चुअली क्या है, मेरा ऑलरेडी एक बंदिश तबला एकेडमी है कोलकाता में, बहुत छोटा लड़का लड़की भी सीख रहे हैं उधर, तो और बाहर से भी सब लोग आता है और ऑनलाइन क्लास भी चलता है, तो बहुत लोग ऐसे हैं ऑलरेडी एकेडमी है, और भी थोड़ा सब जगह में एकेडमी हो जाएगा तो और भी अच्छा होने का चांसेस होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रिम्पा हमसे बात करने के लिए। तो ये थी रिम्पा शिवाजी, जिनका ऐसा कहना है कि कोई भी कला में गुरु का यदि आशीर्वाद है, अगर आपकी गुरु के प्रति आपकी भक्ति है, गुरु जैसा कहते हैं वैसा आप अनुसरण करते हैं, और दूसरी चीज़ उसकी साधना उसकी रियाज अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कैमरा पर्सन मोहम्मद अली के साथ आशीष जोशी, डीजाना न्यूज़, इंदौर।